ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी डरावनी घटनाओं के बारे में बताने वाला हूं जो कि घटी हैं दिल्ली में। तो अगर आपको डरावनी कहानियां सुनना पसंद है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें। तो इसी के साथ बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मेरा नाम आशुतोष है। ये बात है उस वक्त की जब मैं अपनी कार में अपने ड्राइवर के साथ जा रहा था दिल्ली कैंट के रास्ते से। जब वो दिल्ली कैंट वाला रास्ता शुरू हुआ था तभी अचानक से मुझे कुछ नेगेटिव सी वाइब्स ही आने लगी थी। मुझे काफ़ी अजीब अजीब महसूस हो रहा था जो कि मैंने पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। मुझे लग रहा था जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे आसपास है, लेकिन मैंने इन सब बातों को इग्नोर किया। मैंने वहाँ का आसपास का नज़ारा देखा तो मैं समझ गया कि लोग इसे भूथा क्यों कहते हैं। रास्ते का जो नज़ारा था वो रात के वक्त काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था, लेकिन मैंने इन सब बातों को इग्नोर किया और हम उस रास्ते से गुजर ही रहे थे। हमारी कार चली रही थी तभी अचानक से मेरी कार अचानक से रुक गई और मैंने ड्राइवर से पूछा तो ड्राइवर ने कार का शीशा नीचे किया और पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि कार का एक टायर पंचर हो गया था। और फिर मेरे ड्राइवर ने मुझसे कहा कि सर ज़रा एक टायर पंचर हो गया है, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, मैं वापस से टायर को चेंज करके आता हूँ। और फिर ये कहकर मेरा ड्राइवर नीचे उतर गया और मैं भी अपने फ़ोन में बिज़ी हो गया। मैं फ़ोन में सोशल मीडिया का यूज़ कर रहा था। तकरीबन ठीक 10 मिनट बाद मेरा जो ड्राइवर है वो वापस आया और गाड़ी में आके ड्राइविंग सीट पे बैठ गया और फिर चुपचाप बिना कोई हरकत किए वहीं पर पड़ा रहा। पहले मैंने अपने ड्राइवर को देखा और कहा कि अरे भाई क्या हो गया है, चलना नहीं है क्या या यहीं रात गुजारनी है, गाड़ी चला स्टार्ट कर। मेरे ड्राइवर ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और धीरे धीरे चाबी को निकाला। वो ऐसे काम कर रहा था जैसे पहली बार गाड़ी चला रहा हो, एकदम सुस्त। मेरे को काफ़ी अजीब लगा, मेरे को लगा कि शायद कुछ बात है। मैंने उससे पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और मैंने इग्नोर करके अपने फ़ोन में वीडियोस देखना शुरू कर दिया और मैंने देखा कि एक बजरंगबली का काफ़ी अच्छा सा गाना था और मैंने उसे प्ले कर दिया। उसे प्ले करते ही गाना बजने लगा। वो भजन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वो भजन बज ही रहा था और मेरे ड्राइवर ने गाड़ी को स्टार्ट किया, लेकिन उसने गाड़ी को स्टार्ट तो कर दिया लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा था वो। और तभी मैंने अपने ड्राइवर की तरफ ध्यान दिया कि वो कुछ अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, उसके हाथ काँप रहे हैं और वो कुछ बड़बड़ा रहा है। और मैंने उससे पूछा क्या हो गया है, तू ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। और फिर जब उसने पीछे मुड़ के मेरी तरफ देखा तो मेरी आंखें सन रह गईं। मैंने देखा कि उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ी थीं और वो चिल्लाते हुए बोला कि ये बंद कर, मार दूंगा, जान से मार दूंगा, बंद कर इसको, बंद कर, बदकार, मैंने कहा बदकार, अपनी जान प्यारी है तो बंद कर इसको, वरना यही मार दूंगा तुझे जान से, सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा तू, मैंने कहा बंद कर इसको। ड्राइवर का इतना भयानक बर्ताव देख के मैं भी 2 मिनट के लिए डर गया और मैं सोच रहा था कि क्या करूं। और मैंने उस भजन को बंद नहीं किया और उसे बजने दिया, लेकिन वो बार बार चिल्लाई जा रहा था और अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। तकरीबन 5 मिनट तक मैंने उस भजन को रोका नहीं और बजने दिया। और फिर 5 मिनट बाद मेरा ड्राइवर शांत हुआ, उसके चेहरे से पसीना टप टप करके बह रहा था। और जब वो अचानक से शांत हुआ तो मैंने उससे पूछा अबे भाई क्या हो गया है तुझे, तू ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। और फिर वो ड्राइवर मुझे देखकर रोने लगा और रोते रोते बेहोश हो गया। मुझे लगा कि मेरे ड्राइवर की तबीयत में कुछ खराबी आ गई है और मैं तुरंत उठा और उसे पीछे बैठा के एक हॉस्पिटल में लेकर गया और जहां उसका इलाज चला।
सुबह उसे होश आया और जब मैंने उससे पूछा कि आखिर तेरे साथ हुआ क्या था, तो उसने बताया कि मालिक मैं टायर बदल रहा था तभी अचानक से मेरे कान में किसी ने कुछ फुसफुसाया और जब मैंने आसपास देखा तो कोई था नहीं, लेकिन तभी अचानक से एक अजीब सी मदहोशी सी आ गई और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है और अब मेरी आंखें यहाँ खुल रही हैं। क्या हुआ था रात को? और मेरे ड्राइवर का ऐसा व्यवहार देख के मैं समझ गया था कि मामला बहुत पेचीदा है। मैंने अपने ड्राइवर को आराम करने के लिए कहा और 3-4 दिन की उसे छुट्टी दे दी, लेकिन मैं समझ गया था कि उस रास्ते पे कुछ ऐसा था जैसे जिससे मेरे ड्राइवर के साथ वो सब घटा था। लेकिन अब उस रास्ते से मैं रात के वक्त जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ और ना ही कभी आगे जाऊँगा। मेरा नाम शरद है। ये बात है तकरीबन 1 साल पहले की, जब मैं अपने भैया और भाभी के साथ एक फैमिली फंक्शन से वापस घर आ रहा था। मैं ड्राइविंग कर रहा था और भैया भाभी दोनों पीछे बैठे हुए थे, तो मैं गाड़ी को काफ़ी तेज़ी से घर की तरफ लेकर जा रहा था क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और मैं थक भी गया था, तो मुझे घर जाके जल्द से जल्द आराम करना था, इसलिए मैं गाड़ी को स्पीड में चला रहा था। और एक सुनसान रास्ते से गुजरते वक्त जब मेरे भैया ने मुझसे गाड़ी रोकने को कहा, तो मैंने भैया की तरफ देखते हुए कहा कि आखिर क्या बात हो गई है, यहाँ पर गाड़ी क्यों रोकनी है? तो मेरे भैया ने कहा कि मुझसे क्यों नहीं टॉयलेट करनी है। और जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने गाड़ी साइड में लगा दी। वहाँ आसपास थोड़ा जंगली एरिया था, तो मेरे भैया वहाँ चले गए और मैं इंतज़ार कर रहा था। भाभी भी कार में बैठी हुई थी। करीब 10 मिनट तक भैया नहीं आए और मैं गाड़ी से बाहर उतर के इधर उधर देखने लगा और देखा कि भैया धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कार की तरफ आ रहे हैं और वो चुपचाप कार में आके बैठ गए। और जब वो कार में आके बैठ गए तो मैंने भी गाड़ी को स्टार्ट किया, लेकिन तभी अचानक से मैंने भैया की तरफ देखा तो उनके चेहरे पे 12 बजे हुए थे और वो एकदम बुत बनकर बैठे हुए थे। मैंने अपने भैया से पूछा कि भैया सब कुछ ठीक तो है ना, लेकिन मेरे भैया ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब बात थी। मैंने अपने भैया से कहा कि भैया आप ठीक हैं कि नहीं हैं, और इस बात का भी भैया ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी को लेकर जा ही रहा था, तभी अचानक से मेरे भैया अजीब अजीब हरकतें करने लगे जो कि बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। मेरे भैया ने अजीबोगरीब आवाज़ें निकालना शुरू कर दिया और जब मैंने अपने भैया की तरफ देखा तो उन्होंने एक अजीब सी आवाज़ में कहा कि उन्होंने मुझे मार दिया, उन्होंने मुझे मार दिया, उन्होंने मुझे मार दिया, उन्होंने मुझे बचाओ, उन्होंने मुझे मार दिया, मार दिया, मार दिया, मुझे मुझे बचाओ, मुझे मार दिया उन्होंने। और जब मैंने ये सारी बातें सुनी तो मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और गाड़ी को साइड में लगाकर अपने भैया के पास गया। भाभी काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और वो रो रही थी। मैंने अपने भैया को पूछा, संभाला, लेकिन उनकी बातों से कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस पागलों की तरह बड़बड़ाए जा रहे थे, कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे, जैसे पता नहीं कोई भूत सवार हो गया उनके सर पे। वो बार बार सिर्फ एक ही बात की रट लगाए जा रहे थे, मार दिया, मार दिया, उन्होंने मुझे मार दिया, मार दिया, मार दिया उन्होंने मुझे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, उन्होंने मुझे मार दिया। और इतना अजीब व्यवहार आज से पहले भैया का कभी नहीं रहा था, लेकिन आज इस रात जो हो रहा था वो देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। मेरे भैया यही बात बोलते बोलते बेहोश हो गए और पूरी रास्ते यही चीज़ बड़बड़ाते रहे, और जब भी मैं उनके मुंह के पास अपने कानों को लेकर जाता तो सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई देती, मार दिया, मार दिया, उन्होंने मुझे मार दिया, मार दिया, मार दिया, उन्होंने मुझे मार दिया। 4 दिन तक मेरे भैया बीमार रहे, उन्हें बहुत ज़्यादा बुखार था, बुखार इतना ज़्यादा था कि पूछो ही मत। कई डॉक्टर्स को दिखाने के बाद तकरीबन 2 महीने के बाद वो ठीक हो पाए, लेकिन जब उनके ठीक होने के बाद मैंने उनसे पूछा कि उस रात क्या हुआ था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें कुछ भी याद नहीं, उन्हें सिर्फ इतना याद है कि वो टॉयलेट करने गए थे और तभी अचानक से उन्हें कुछ भी होश नहीं रहा और उसके बाद से सिर्फ उनकी तबीयत खराब होती रही, सिर्फ बुखार होता रहा। लेकिन अब भगवान की दया से मेरे भैया बिल्कुल ठीक हैं और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे भैया के साथ फिर से कुछ वैसा हो, क्योंकि वो आवाज़, वो डरावनी सी आवाज़ मेरे कानों में भी कभी अपने आप ही गूंजने लगती है, मार दिया, मार दिया, उन्होंने मुझे मार दिया, उन्होंने मुझे मार दिया।
मेरा नाम अमन है। वैसे तो भूत प्रेतों पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन कुछ महीनों पहले की बात है, मैं अपने ऑफिस से घर आने के लिए अपने ऑफिस से निकला था और रास्ते में कोई सवारी नहीं मिल रही थी। मैं सवारी की तलाश कर रहा था। रात काफ़ी हो गई थी और मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ रहा था क्योंकि सवारी कहीं नहीं मिल रही थी और रास्ता सुनसान होता जा रहा था, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। काफ़ी देर सवारी ढूंढने के बावजूद भी मुझे सवारी नहीं मिल रही थी और ढूंढते ढूंढते मैं एक ऐसे रास्ते पर पहुंच गया जो कि पूरा सुनसान पड़ा हुआ था। वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि शायद मैं सवारी ढूंढने के लिए गलत रास्ते पर आ गया हूँ। और अभी मुझे अचानक से एक ऑटो वाला दिखा जो कि अंधेरे से कोने में खड़ा था। मैं उस ऑटो वाले के पास गया और मैंने उससे कहा कि भाई साहब, मुझे ज़रा वो मीराबाई रोड पे जाना था, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? और फिर ड्राइवर ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि हाँ सर, क्यों नहीं छोड़ेंगे, यही तो काम है हमारा, आइए बैठ जाइए। और सवारी मिलते ही मैं उसमें बैठ गया। मैं काफ़ी खुश था कि चलो अब घर पहुंच जाऊंगा जल्दी जल्दी। उस ऑटो में बैठते ही मुझे, गर्मी का मौसम था लेकिन ठंड लगने लगी मुझे। काफ़ी अजीब बात थी, ऐसे जैसे मैं ऑटो में नहीं फ्रिज में बैठा हूँ। और वो ड्राइवर चुपचाप ऑटो में बैठा और ऑटो को स्टार्ट करके वहाँ से चल दिया। मैं रास्ते का नज़ारा देखते हुए चुपचाप बैठा हुआ था, लेकिन मुझे ठंड लगे जा रही थी जैसे दिसंबर का महीना हो। लेकिन मैंने जैसे तैसे इस बात को इग्नोर किया, मुझे लगा रात की वजह से ठंड बढ़ गई है। मैंने जैसे तैसे इग्नोर किया और फिर अपनी मंजिल पर आया। उसने जिस रास्ते पे मुझे छोड़ा था वो रास्ता भी सुनसान था। ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब थी क्योंकि मैं रोज़ उस रास्ते से घर जाता था, रोज़ वहाँ पर कई सारे लोग रहते थे, लेकिन उस वक्त वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं ऑटो से उतरा और पॉकेट में हाथ डाल के पैसे निकालने लगा और मैंने उस ड्राइवर से पूछा कितने हो गए पैसे, और फिर उस ड्राइवर ने कहा कि 30 रुपये साहब। और फिर मैंने 30 रुपये उस ऑटो वाले को पकड़ाए, लेकिन उसका हाथ इतना ठंडा था जैसे सदियों से फ्रिज में रखा हो। उसका इतना ठंडा हाथ होना काफ़ी अजीब बात थी, लेकिन मैंने इस बात को भी जैसे तैसे इग्नोर किया और अपने घर की तरफ चल दिया। और जैसे ही मैंने कुछ कदम बढ़ाए ही थे तभी अचानक से मेरे जेब में रखा हुआ फ़ोन वाइब्रेट हुआ और मैंने जब फ़ोन को निकाल के देखा तो उसमें कुछ मैसेजेस आए हुए थे और वो मैसेजेस व्हाट्सएप के थे। मैंने व्हाट्सएप को ओपन किया तो उसमें एक फ़ोटो थी और साथ में एक न्यूज़ आर्टिकल जिसमें बताया हुआ था कि एक ऑटो वाले की मौत एक्सीडेंट में हो गई है और साथ में ही लोकेशन वगैरह सब दे रखी थी। और फिर जब मैंने देखा कि वो एक्सीडेंट की लोकेशन क्या है तो वही वो लोकेशन थी जहां से मैं ऑटो में बैठा था और नीचे जो एक्सीडेंट हुआ था उस ड्राइवर की फ़ोटो थी। और जब मैंने उस फ़ोटो को देखा तो मेरी हालत ख़राब हो गई क्योंकि वो फ़ोटो और किसी की नहीं, उसी ड्राइवर की थी जिसके ऑटो में मैं अभी अभी बैठ कर आया था। और फिर मैंने पीछे की ओर देखा तो वो ऑटो दूर चला जा रहा था और जो हुआ उसे देखकर तो मेरी ज़बान जैसे सुन्न पड़ गई। मैंने देखा कि वो ऑटो हो मेरी आंखों के सामने ही चलता चलता गायब हो गया। उस रात के बाद से वो ऑटो वाला मुझे कई जगह दिखाई दिया। वो हर बार मुझे अपने ऑटो के पास बुलाता था और जब भी मैं किसी और से इस बारे में बोलता था वो कहता था कि क्यों मजाक कर रहा है भाई, कौन सा ऑटो वाला, यहाँ तो कोई ऑटो वाला नहीं है। और हर किसी का यही जवाब होता था जिसका मतलब वो ऑटो वाला सिर्फ मुझे दिखाई देता था। कई महीनों तक ऐसा चलता रहा। मैंने अपने गांव के एक मंदिर में जाके पूजा की और तब जाके सब कुछ नॉर्मल हुआ। ये कहानी है ऋतिक नाम के एक लड़के की जो कि अभी अभी अपने गाँव आया था। गांव की ताज़ी हवा उसे बहुत पसंद आ रही थी। वो काफ़ी दिनों से अपने गांव में एंजॉय कर रहा था, लेकिन एक ऐसी रात जब उसके दादाजी उसे कुछ डरावनी कहानियां सुना रहे थे उसमें से ही एक डरावनी कहानी थी जो कि थी एक भूतिया अस्पताल की। और वो अस्पताल उसी गांव से थोड़ा सा दूर था।
और अपने दादाजी के मुंह से उस डरावने अस्पताल की कहानी सुनने के बाद ऋतिक के मन में एक ही इच्छा जाग रही थी कि अब ऋतिक भी उसी अस्पताल में जाके देखे आखिर क्या है उस अस्पताल में। उसके दादाजी की माने तो उस अस्पताल में काफ़ी ज़्यादा भयानक भूत प्रेत हैं जो कि किसी भी इंसान को ख़त्म कर सकते हैं। ऋतिक को भूत प्रेत पे शुरू से कभी भी यकीन नहीं था और यही बात उसको और भी ज़्यादा आकर्षित कर रही थी उस अस्पताल की तरफ जाने के लिए। और ऐसा ही होता है, फिर ऋतिक अपने फ़ोन में रात के 1 बजे का अलार्म सेट कर लेता है और फिर सबके सोने का इंतज़ार करने लगता है और ख़ुद भी सो जाता है। रात के ठीक 1 बजे उसके मोबाइल का अलार्म बजता है और ऋतिक निकल पड़ता है उस भूतिया अस्पताल के लिए। ऋतिक दबे पांव अपने घर से निकलता है और उस अस्पताल की तरफ बढ़ने लगता है। एक सुनसान रोड पे उसे एक रिक्शे वाला मिलता है जो कि ऋतिक से कहता है कि काओ बाव जी, कहाँ जाना है इतनी रात में, हम छोड़ दें क्या आपको? जिसके जवाब में ऋतिक कहता है कि जाना तो है भाई, उस भूती अस्पताल के बारे में मैंने बहुत बातें सुनी हैं, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे वहाँ तक छोड़ दे। और ऐसा सुनते ही रिक्शा वाला मुस्कुराने लगा और उसने कहा कि का बाबूजी, उस भूत प्रेत वाले अस्पताल में कहाँ जाना है आपको? हाँ, अरे मारे जाएंगे, भूत प्रेतों से बैर अच्छा नहीं होता। जिसके जवाब में ऋतिक ने कहा कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, तुम्हारा बस इतना काम है कि तुम मुझे उस अस्पताल तक छोड़ कर आओ, समझे? और वो रिक्शा वाला मान जाता है। ऋतिक उस रिक्शा में बैठ जाता है और वो दोनों उस अस्पताल के आगे रुक जाते हैं। रिक्शा वाला कहता है कि लो बाबूजी, हमने अपना काम कर दिया है, इसके आगे आपकी मर्जी है। हम अभी भी कहते हैं कि इस अस्पताल में नहीं ही जाओ तो अच्छा है आपके लिए, वरना क्या पता आपको जान देनी पड़ जाए। ऋतिक उस रिक्शे वाले को पैसे देता है और फिर उस अस्पताल को देखने लगता है। वो अस्पताल काफ़ी ज़्यादा पुराना था और उसकी बिल्डिंग पे धूल की मोटी सी परत जम चुकी थी जो कि इस बात की साफ साफ गवाही दे रही थी कि अस्पताल कितने सालों से बंद है। और फिर ऋतिक उस अस्पताल की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन वो तभी ध्यान देता है कि एक मिनट, इतनी रात को ये रिक्शा वाला उस सुनसान रोड पे क्या कर रहा था, ज़रा पूछ तो लूँ। और जैसे ही वो ये बात पूछने के लिए पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वहाँ कोई रिक्शे वाला नहीं था और उसके कान में एक आवाज़ आती है, बाबूजी मत जाइए, मारे जाएंगे आप, सच कह रहे हैं हम। और ये बात सुन के ऋतिक को एक जोर का झटका लगता है और वो देखता है कि वो अभी भी अपने घर में है और ये सिर्फ एक सपना था। ऋतिक अपना फ़ोन देखता है तो 12:55 हो रखे थे और ऋतिक फिर भी इन सब इशारों को अनसुना कर देता है और फिर दबे पांव निकल जाता है उसी अस्पताल की तरफ। वो रास्ते में देखता है और रास्ते में वो जो देखता है उसे देख के उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखता है कि वही रिक्शे वाला आदमी जिसे अभी अभी ऋतिक ने अपने सपने में देखा था, वही रिक्शा लेकर उस सुनसान सड़क पे खड़ा है और वो ऋतिक से कहता है कि काओ बाबूजी, कहाँ जाना है, आइए बैठिए, छोड़ देते हैं आपको। और ये देखकर ऋतिक बहुत घबरा जाता है लेकिन वो इन सब बातों को इत्तेफाक मान के आगे बढ़ जाता है। वो इस रिक्शा में नहीं बैठता और जैसा जैसा उसके दादाजी ने बताया था वैसे वैसे चलने लगता है और आखिरकार वो उस भूतिया अस्पताल के आगे जाके खड़ा हो जाता है और फिर वो एक और बार एक जोर का झटका खाता है क्योंकि वो अस्पताल बिल्कुल वैसा था जैसा ऋतिक ने सपने में देखा था। वही मोटी मोटी बिल्डिंगों पे मिट्टी की परत जमी हुई थी लेकिन ऋतिक भी इस बात को इत्तेफाक मान लेता है और फिर वो अस्पताल के चारों ओर घूमने लगता है। वो ऐसी जगह तलाश करने लगता है जहाँ से वो अस्पताल के अंदर घुस पाए लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिलती। लेकिन आखिरकार बहुत ढूंढने पे उसे एक खिड़की मिलती है जो कि शीशे की थी और ऋतिक एक पास में ही पड़े पत्थर से उस खिड़की को तोड़ देता है और अंदर घुस जाता है। वो अस्पताल अंदर से काफ़ी ज़्यादा भयानक था, उधर हर जगह धूल मिट्टी थी, गंदगी कोने कोने में थी उस अस्पताल के। ऋतिक उस अस्पताल में घूमने लगता है और फिर वो एक कमरे के सामने पहुंचता है
जो कि उस अस्पताल का आईसीयू था। लेकिन डराने वाली बात तो यह है कि उस आईसीयू का वो लाल बल्ब जो कि दरवाजे के ऊपर लगा था वो जल रहा था। लेकिन अस्पताल तो इतने सालों से बंद है, फिर वो लाल बल्ब कैसे जल रहा है? इसी सवाल को अपने मन में ऋतिक लेकर उस दरवाजे के पास जाता है और फिर वो कान लगा के सुनता है तो उस दरवाजे के अंदर से एक आवाज़ आ रही थी। ऋतिक बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो अपने कदम पीछे लेने लगता है। तभी वो देखता है कि आईसीयू का दरवाज़ा अपने आप खुलने लग रहा है और फिर दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। लेकिन दरवाज़ा तो किसी ने खोला ही नहीं था, तो दरवाज़ा अपने आप खुल कैसे गया? ऋतिक बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और फिर धीरे धीरे ऋतिक आईसीयू में कदम रखता है और वो देखता है कि कटी फिटी लाशें इधर उधर पड़ी हुई हैं और फ्लोर पे ताज़ा खून बिखरा हुआ है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? फ्लोर पर ताज़ा खून कैसे बिखरा हो सकता है, क्योंकि ये अस्पताल तो काफ़ी सालों से बंद है। ऐसी कई सारी चीज़ें वो अस्पताल में देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली थी। तभी ऋतिक के कानों में एक आवाज़ आती है। लगता है पेशेंट आ गया। अब काफी सालों बाद मुझे अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिलेगा। और इतनी भयानक आवाज सुनते ही ऋतिक वहां बेहोश हो जाता है और फिर ऋतिक की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो एक स्ट्रेचर पे बंद है, उसके हाथ पैर बांध रखे हैं और वो हिल नहीं पा रहा है। और एक डॉक्टर जो कि काफी ज्यादा बूढ़ा है वो हंसता हुआ ऋतिक के पास आता है और फिर वो कहता है कि जब मैं जिंदा था तो मैं लोगों की भलाई किया करता था। मैं चाहता था कि इंसान अमर हो जाए, जिसके लिए मैं काफी ज्यादा रिसर्च करता था और ये बेवकूफ गांव वाले मुझे पागल कहते थे। लेकिन मैंने अपनी रिसर्च जारी रखी, मुझे लोगों की जरूरत पड़ती थी तो मैं अकेले रात को घूम रहे लोगों को पकड़ के अपने इस आईसीयू में ले आता था और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करता था। लेकिन बदकिस्मती से उन गांव वालों को ये बात पता चल गई और उन्होंने मेरे अस्पताल को आग लगा दी और साथ ही साथ मैं भी उसी में जल के मर गया। लेकिन आज तुम आए हो इतने सालों बाद और आज मैं तुम्हें अमर करूंगा। ऐसी बातें सुन के ऋतिक समझ जाता है कि ये जो भी है एक साइको है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ऋतिक वहां पे तड़पता चीखता रहता है और उसे अब अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। अगली सुबह जब ऋतिक नहीं मिला तो उसके दादाजी ने उसे पूरे गांव में तलाशा, लेकिन आखिरकार जब वो उन्हें कहीं भी नहीं मिला तो फिर वो उस भूतिया अस्पताल में गए, वो भी अपने पूरे गांव वालों को लेके, और हर जगह छानबीन करी तो उन्होंने देखा कि ऋतिक की लाश एक फर्श पे पड़ी हुई है और उसका दिल उसकी लाश से गायब है। तो क्या आप जाना चाहेंगे उस अस्पताल में, उस भूतिया डॉक्टर के पास अमर होने के लिए? तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर